हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास प्लस टू है और आज हम लिटरेरी पेटल है जो वो बुक ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम आपके जो प्लेज हैं वन एक्ट प्ले वो शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है बिशॉप्स कैंडलस्टिक। बिशॉप्स की कैंडलस्टिक का जो एक प्ले है वो पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। बिशॉप्स कैंडलस्टिक इज़ अ डीपली मूविंग वन एक्ट प्ले। एक एक्ट का प्ले है। इट इज़ प्ले विद अ पर्पज़। इसको एक पर्पज़ के लिए प्ले किया गया है। इट इज़ बेस्ड अपॉन द ओपनिंग चैप्टर ऑफ विक्टर होगोज़ नॉवल। ओपनिंग चैप्टर है ये विक्टर जो होगोज़ का नॉवल था लेस मिसरेबल्स। द प्ले डील्स विद अ फंडामेंटल ह्यूमन प्रॉब्लम, हाउ कैन वी कंकर इवन। इस प्ले में ये बताया गया कि फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, उन पे कैसे हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। इट एडवोकेट्स द आइडिया दैट इवल कैन बी रिमूव्ड बाय लव। इस आइडिया दिया गया है कि जो बुराइयाँ हैं उनको हम लव के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपथी के जरिए कर सकते हैं, ना कि पनिशमेंट के जरिए। लव बी गेट्स लव, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट अ हार्डन क्रिमिनल इज अ पेशेंट हु नीड्स टू बी क्योर बाय द सूथिंग ब्लेम ऑफ लव एंड सिंपथी। हमें यहाँ पे ये बताया गया कि किस तरह एक बहुत ही भयंकर जो क्रिमिनल होता है वो एक पेशेंट है जिसको प्यार और सिंपथी की ज़रूरत होती है। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर एक कोई पापी है तो उसका फ्यूचर होता है जस्ट एज एवरी संत हैज़ अ पास्ट। जैसे कि हर एक संत का पास्ट होता है, वो उसने क्रिमिनल किए होते हैं, पाप किए होते हैं, वो बाद में संत बन जाता है। द बिशॉप इन द प्ले ट्राइज हिज बेस्ट टू कन्वर्ट अ हार्डन क्रिमिनल बाय हिज चैरिटेबल नेचर एंड ही इज सक्सेसफुल इन हिज अटैम्प्ट। बिशॉप है इस प्ले में एक क्रिमिनल को पूरी हार्ड मेहनत करके उसको एक चैरिटेबल नेचर में बदलना चाहता है और इसमें वो सक्सेस भी हो जाता है। तो हम इसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं। आप द प्ले ओपन्स विथ टू वेमेन ऑन द स्टेज। प्ले ओपन होता है, दो लड़कियां स्टेज पे हैं। दे आर परसोम द सिस्टर एंड मारिया द मेड सर्वेंट ऑफ द बिशॉप। मेड सर्वेंट है जो उसकी दो बेटियाँ हैं, सिस्टर्स हैं सॉरी, मारिया प्रीसन। मारिया जो है मेड सर्वेंट है बिशॉप की। दे आर सीन सिटिंग इन द किचन। वो किचन में बैठी हैं। इट इज़ नियरली 11 o'clock ऑफ अ विंटर नाइट। रात के 11 बज रहे हैं, सर्दी का दिन है। एंड बिशॉप हैड नॉट येट रीच्ड होम। और बिशॉप अभी तक घर वापस नहीं आया। दिस बिकम्स अ कॉज फॉर एन एंग्जाइटी फॉर पियर्सन। ये पियर्सन को किसी चीज़ का डर लग रहा है। तो शी आस्कर द मेड सर्वेंट, वो अपने मेड सर्वेंट को पूछती है मारिया अबाउट द बिशॉप्स लेट स्टे आउटसाइड। आपको पता है कि बिशॉप आज बाहर रुकने वाले हैं। मारिया सेज दैट ही हैड गोन टू सी हर सिक मदर। कहते वो मारिया कहती है कि वो अपने बीमार जो मदर है उनको देखने गए हैं। ड्यूरिंग द टॉक मारिया ऑल्सो सेज दैट। मारिया ने ये भी बताया कि बिशॉप हैड सॉल्ट द सिल्वर सॉल्ट सेलर्स टू पे ऑफ द रेंट, हाउस रेंट ड्यू फ्रॉम अ पुअर वुमेन। उसे बिशॉप ने अपनी सिल्वर की जो सॉल्ट सेलर थी वो बेच दी क्योंकि उसने उस गरीब औरत के घर का रेंट देना था। This discovery makes Pearson a little irritated. इस बात ने पियर्सन को थोड़ा सा इरीटेट कर दिया। She could never like her brother's generosity. उसको अपने ब्रदर की इस generosity का बहुत अच्छी नहीं लगती थी। As a matter of fact, Pearson feels that Bishop was fooled by others. उसको लगता था कि मेरा भाई जो बिशॉप है वो दूसरों से मूर्ख बन रहा है। द पॉवर्टी ऑफ दोज हु गेट हिज हेल्प वॉज नॉट रियल। कहना जो गरीबी है जिसकी वो हेल्प कर रहा है रियल नॉइन नहीं है, बट ओनली प्रिटेंडेड वन। अकॉर्डिंग टू पियर्सन द बिशॉप वॉज अ मेयरी बॉय इन हिज रिस्पेक्ट। पियर्सन को लगता है कि मेरा भाई है जो अभी तक एक लड़का ही है वो आदमी नहीं बना। एज दे गो ऑन टॉकिंग द बिशॉप कम्स। जब वो बातें कर रहे थे तो बिशॉप वहाँ पे आ जाता है। द वार्म एयर ऑफ द किचन गिव्स हिम कंफर्ट। और जो किचन में वार्म एयर मतलब गर्म हवा चलती है उससे उसको आराम मिलता है क्योंकि वो सर्दी में आया था। आफ्टर सम टाइम ही लुक्स एट हिज सिस्टर। कुछ समय बाद वो अपनी बहन की तरफ देखता है। ही फाइंड्स दैट शी इज़ अ बिट अपसेट। उसको लगता है कि उसकी जो सिस्टर है वो थोड़ी सी अपसेट है। ही फील्स दैट द मेड सर्वेंट मारिया मस्ट हैव बीन द कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस। उसको लगता है कि मेड मारिया ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो परेशान है। देन द बिशॉप टेल्स मारिया दैट हर मदर वॉज मच बेटर।
ही इज़ हैप्पी, वो खुश हो जाता है ये जान के कि मारिया जो है मेरी सिस्टर की डिस्टर्बेंस का कारण नहीं है। देन द बिशॉप टेल्स मारिया दैट हर मदर वॉज मच बेटर, फिर बिशॉप मारिया को बताता है कि मेरी माँ आगे से ठीक है। शी आस्क हर टू गो होम एंड लुक आफ्टर हर, वो कहते कि वो ही आस्कड हर, वो उसको कहता है कि घर जाओ और उसकी देखभाल करो। एज इट इज़ अ वेरी कोल्ड नाइट, जब रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, द बिशॉप गिव्स हर हिज ओन मफलर, बिशॉप उसको अपना मफलर पकड़ा देता है। मारिया गोज सम हैप्पीली, मारिया खुश हो के घर चली जाती है। बट दिस एक्ट ऑफ द बिशॉप अनॉयज हिज सिस्टर, पर इस एक्ट में जो बिशॉप है वो अपने सिस्टर को लेके दुखी है। शी इज़ अ वर्ल्डली वाइज वुमन, शी वुड नॉट लाइक टू पुट हर सेल्फ इन टू ट्रबल फॉर द शेक ऑफ अदर, वो अपने आप को दूसरों के लिए मुसीबत में डालना पसंद नहीं करती। शी डज नॉट लाइक द जीनियस नेचर ऑफ हर ब्रदर, उसको अपने ब्रदर की जो महानता वाली नेचर है वो अच्छी नहीं लगती। दैट इज़ वाई शी ऑफन रिबक्स द बिशॉप, इसीलिए वो अपने भाई बिशॉप को हमेशा डांटती रहती है। द बिशॉप अंडरस्टैंड्स द नेचर ऑफ हिज सिस्टर वेरी वेल, बिशॉप अपने सिस्टर की नेचर को अच्छे से जानता था। सो ही लाफ्स अवे सच अ सिचुएशन, फिर वो हंसने लगता है इस बात पे। ही ऑलवेज अवॉइड अ क्लैश, वो हमेशा झगड़ा करने से बचता है। द सिस्टर गिव्स सूप टू द बिशॉप, सिस्टर बिशॉप को सूप पकड़ाती है। शी वॉन्ट्स हिम दैट मोस्ट ऑफ द पुअर आर विक्ड पीपल, और उनको कहती है कि जो पुअर लोग होते हैं वो विक्ड पीपल होते हैं, अभी अच्छे नहीं होते, तुम उनके पास मत जाया करो। देयर पॉवर्टी इज नॉट रियल, उनकी गरीबी सच में नहीं है, इट इज ओनली अ प्रिटेंशन, ये तो सिर्फ दिखावा है। दे ओनली वॉन्ट टू रो पीपल लाइक द बिशॉप, वो सिर्फ लोगों को लूटना चाहते हैं जैसे कि तुम हो। दे आर चीट्स एंड नथिंग एल्स, वो उसमें तुमसे चीटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। द बिशॉप इज़ अ ट्रू क्रिश्चियन, बिशॉप एक सच्चा क्रिश्चियन था। ही इज़ नॉट लाइक हिज सेल्फिश सिस्टर, वो अपनी सिस्टर की तरह सेल्फिश नहीं था। ही फाइंड्स टू मच पेन एंड सफरिंग इन द वर्ल्ड, उसने दुनिया में बहुत सारे दुख और दर्द देखे थे। ही सिस्टर फील दैट ही इफ हर ब्रदर इज चैरिटेबल लाइक दिस, उसकी सिस्टर को फील होता है कि अगर मेरा ब्रदर इस तरह से दानी रहा, देन वेरी सून ही सोल्ड वन डे फॉर पेइंग would be in trouble, तो फिर वो जल्दी ही किसी मुसीबत में आ जाएगा। ही himself will become very poor, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खुद बहुत गरीब हो जाएगा। इवन द सिल्वर candlestick will have to be, और जो सिल्वर की कैंडल स्टिक्स हैं वो भी नहीं रहेंगी। सोल्ड वन डे, वो भी किसी का रेंट पे करने के लिए वो सोल्व कर बेच देगा। द बिशॉप फील्स मूव्ड, ही सेज दैट ही विल नेवर सेल दीज कैंडल स्टिक, वो कहता है कि मैं कभी इन कैंडल स्टिक्स को नहीं बेचूंगा, ये कैंडल स्टिक लास्ट प्रेजेंट है, गिफ्ट है मेरी मदर की तरफ से। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर, अपनी मदर की डेथ के बाद, दीज कैंडल स्टिक वर हर लिविंग मेमोरी, ये कैंडल स्टिक हैं जो वही मेरी माँ की याद में है। दे टॉक द टॉक अबाउट हर डेड मदर एंड द कैंडल स्टिक मूव्स पर्सन टू टीयर्स, जब वो अपनी मदर की बात करता है और कैंडल स्टिक की बात करता है तो पियर्सन को रोना आ जाता है। शी गोज टू हर रूम टू स्लीप, वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। इट इज़ 12 o'clock नाउ, 12 बज चुके हैं रात के। बिशॉप स्टार्ट्स रीडिंग अ बुक, बिशॉप बुक पढ़ता है। विंडो एट हिज बैक इज़ ओपन, उसकी पीछे वाली विंडो खुली है। द कन्विक्ट एंटर्स, वहाँ से एक आदमी आता है। ही हैज़ अ लॉन्ग नाइफ इन हिज राइट हैंड, उसके जो राइट हैंड में एक बहुत बड़ा चाकू पकड़ा हुआ है। ही कैचेज द बिशॉप बाय हिज कॉलर फ्रॉम बिहाइंड, वो पीछे से आके बिशॉप को कॉलर से पकड़ता है। ही थ्रेटन्ड टू किल द बिशॉप इफ ही शाउटेड, वो बिशॉप को धमकाता है कि अगर तुम चिल्लाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द कन्विक्ट थ्रेड इन इज ऑफ नो यूज, पर जो कन्विक्ट का डर था वो काम नहीं आया। बिशॉप सैट एज काम एज बिफोर, जैसे पहले वो आराम से बैठा था वो वैसे ही बैठा रहता है। बिशॉप ही टोल्ड द कन्विक्ट दैट ही शुड नॉट बी एग्जिस्टेड एट ही वॉज इन द फ्रेंड्स हाउस, वो कन्विक्ट को कहता है कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, तुम ये सोचो कि तुम अपने फ्रेंड के घर पे आए हो। द बिशॉप वॉज विलिंग टू सर्व द कन्विक्ट, वो उसको उसकी सेवा करना चाहता था बिशॉप उस कन्विक्ट की। बट द कन्विक्ट डिड नॉट बिलीव इन व्हाट द बिशॉप सेड, पर कन्विक्ट को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या कह रहा है। द पुअर कन्विक्ट वॉज विदाउट फूड फॉर द लास्ट 3 days, उस गरीब अपराधी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया था, तो उसने बिशॉप से खाना मांगा
अपने मतलब उसके गर्दन पे चाकू रख के उसको बोला कि मेरे को खाना ला के दो। बिशप मूव्स टू द रूम ऑफ हिज सिस्टर टू टेक द कीज ऑफ द किचन। बिशप अपने सिस्टर के रूम में जाता है और किचन की कीज उठान के लाता है। दिस अरोज़ेस सस्पिशन इन द माइंड ऑफ द कन्विक्ट। ही फियर्स दैट द बिशप वुड इन्फॉर्म द पुलिस। अब कन्विक्ट को लगता है कि वो किचन तो गया ही नहीं, क्योंकि वो चाबी लेने बिशप अपने सिस्टर के कमरे में चला गया, तो उसको जो उसको मारने आया आदमी उसको लगता है कि शायद वो पुलिस को बताने जा रहा है। द कन्विक्ट हैज सफर्ड अ लॉट इन हिज लाइफ। कन्विक्ट ने अपने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे थे, सो ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू बिलीव द बिशप। अब उसको यकीन नहीं था कि बिशप पे कि वो मेरी हेल्प करेगा। ही टेल्स द बिशप नॉट टू मूव। उसको कहता है कि तुम हिलोगे नहीं। टॉक्स पोलाइटली एंड ट्राइज टू विन द कॉन्फिडेंट ऑफ द कन्विक्ट। बिशप बहुत आराम से बोलता है और कन्विक्ट का जो है कॉन्फिडेंस में उसको लेने की कोशिश करता है। कन्विक्ट उसके व्यवहार से बहुत पजल है कि मैं तो इसको मारने आया हूँ और ये मेरे से प्यार से बोल रहा है। बट ही डज नॉट वॉन्ट टू टेक एनी चांस। पर वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था। ही प्लेसेस द ओपन नाइफ एट द बैक ऑफ द बिशप। उसने बिशप के पीछे चाकू लगा रखा था। बिशप नॉक्ड द डोर ऑफ हिज सिस्टर्स रूम फॉर टेकिंग द कीज ऑफ द किचन। बिशप अपने सिस्टर के दरवाजे को खटखटाता है कीज लेने के लिए। पियर्सन डज नॉट वेलकम द आइडिया ऑफ एंटरटेनिंग अ गेस्ट एट मिडनाइट। पियर्सन को अच्छा नहीं लगता कोई आधी रात को उनके घर पे आया हो। बट ही डज नॉट लाइक टू डिसप्लीज हर ब्रदर एज वेल। पर वो अपने ब्रदर को निराश भी नहीं करना चाहती थी। ही कम्स आउट ऑफ अ रूम। वो अपने रूम से बाहर आती है। शी थ्रेटन टू सी द कन्विक्ट विद अ नाइफ। वो उस आदमी को चाकू देख के घबरा जाती है। शी गिव्स द की टू हर ब्रदर एंड वॉन्ट्स टू बैक टू हर रूम। वो अपने ब्रदर को की पकड़ाती है और वहाँ अपने रूम में वापस चली जाती है। बट द कन्विक्ट आस्क हर नॉट टू मूव। पर कन्विक्ट कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती। बिशप पियर्सन को कहता है कि तुम टेबल पे बैठ जाओ और कन्विक्ट को कंपनी दो। बिशप गिव्स टू द कन्विक्ट सम पाई। कुछ पाई डिश लेके आता है, ब्रेड और बॉटल ऑफ वाइन देता है। कन्विक्ट हंगरी वुल्फ की तरह भेड़ियों की तरह हपा हपा के खाता है। ही आस्क द बिशप इफ ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ थीव्स। वो पूछता है कि तुम चोरों से डरते नहीं हो। बिशप कहता है कि ही इज़ ओनली सॉरी फॉर द थीव्स। कहते हैं मुझे थीव्स जो होते हैं, चोर होते हैं, उनके साथ बहुत सिंपथी है। कन्विक्ट हंसने लगता है जब उसको पता लगता है कि बिशप उसकी होस्टिंग कर रहा है, मतलब उसको खाना वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। बिशप अपनी सिस्टर को कहता है कि वो अपने कमरे में जाए। एज ही विशेस टू टॉक विद द गेस्ट, कहता मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आफ्टर पियर्सन हैज़ लेफ्ट देम, जब पियर्सन वहाँ से चली जाती है, बिशप स्टार्ट्स टॉकिंग फ्रीली विद द कन्विक्ट। वो फ्री होकर कन्विक्ट से बातें करता है। बिशप ये कहता है कन्विक्ट को कि ही सीन्स टू बी अ पर्सन हु हैड सफर्ड मच इन लाइफ। कहता है कि वो ऐसा आदमी है जिसने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं। द कन्विक्ट टेल्स मूव्ड बाय द सिंपथेटिक बिहेवियर ऑफ द बिशप। कन्विक्ट को ऐसा लगता है कि बिशप मेरा बहुत सहानुभूति दिखा रहा है। ही टेल्स इन द स्टोरी ऑफ हिज पास्ट। वो उसको अपने पास्ट की स्टोरी सुनाता है। ही सेज दैट अ लॉन्ग टाइम बैक ही वॉज अ मैन। वो कहता है कि एक बहुत लंबे समय बाद में ही इज वॉज अ मैन, मैं एक आदमी बना हूँ। बट नाउ ही इज़ अ बीस्ट, पर मैं अब बीस्ट हूँ। ही इज़ अ प्रिजनर नंबर, वो एक अपराधी है जो 1532 उसका नंबर 29 उसका नंबर है। ही हैज़ स्पेंट 10 years इन द जेल, उसने 10 साल जेल में बिताए हैं। वंस ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन। जेल में जाने से पहले वो जो अपराधी है, कन्विक्ट है, वो वर्किंग हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट पर्सन था। वो एक कॉटेज में रहता था अपनी पत्नी के साथ। एक दिन वो बीमार हो जाती है। ही हैड नो फूड टू बाय फूड मनी टू बाय फूड फॉर हिज वाइफ। उसके पास पैसे नहीं थे कि अपनी वाइफ को वो खाना खिला सके। सो ही स्टोल, तो इसने चोरी की। ही वॉज कैच, वो पकड़ा गया और उसको जेल में डाल दिया गया। ही रिक्वेस्टेड अथॉरिटी टू एक्सक्यूज हिम। उसने बहुत रिक्वेस्ट की अथॉरिटी को कि मेरे को माफ़ कर दे, पर किसी ने मेरी अपील को नहीं सुना। इंस्टेड ही वॉज सेंट टू द जेल फॉर 10 years। बदले में मुझे 10 साल की सजा सुनाई गई। जेल में ही वॉज ट्रीटेड वेरी बैडली, मुझे बहुत बुरे तरीके से रखा गया। ही हैड टू फीड ऑन फिफ्थ, मुझे बहुत साफ सुथरा खाना नहीं दिया जाता था। हिज वाइफ डाइड व्हेन ही वाज इन जेल, जब मैं जेल में था, कहता तब मेरी वाइफ पीछे से मर गई थी। ही लॉस्ट हिज सॉइल एंड बिकेम एन एनिमल, उसने अपने अब आत्मा को खो दिया है, अब वो जानवर बन गया है। 6 weeks अगो, 6 हफ्ते बाद वो जेल से छूट के आया है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं था। ही कुड नॉट बैग लेस्ट ही शुड नॉट
अगे कैच कैच बाय द पुलिस. कहता मैं भीख नहीं मांग सकता चाहता क्योंकि मुझे ऐसा था कि पुलिस मेरे को दोबारा पकड़ लेगी. द बिशॉप कंसोल्स द कन्विक्ट. बिशॉप को उसकी कन्विक्ट की कहानी सुन के बहुत दुख हुआ. ही टेल्स हिम दैट उसको कहता है कि देयर इज होप फॉर ऑल. कहता है कि सबके लिए उम्मीद होती है. ही आस्क हिम टू ले डाउन एंड टेक रेस्ट फॉर द नाइट. उसको बिशॉप कहता है कि तुम आज रात यहाँ पर रुको और रेस्ट करो. कन्विक्ट को बिशॉप पे बिलीव नहीं है. बिशॉप कन्विक्ट को यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें कब तंग नहीं करूँगा. वो सिंपति उसको दिखाता है. देन ही गोज़ टू अनदर रूम टू ब्रिंग अ बेड शीट फॉर हिम. तो वो दूसरे रूम में जाके उसके लिए बेड शीट लेके आता है. कन्विक्ट इज लेफ्ट अलोन इन द रूम. कन्विक्ट कमरे में अकेला रह जाता है. कन्विक्ट सीज द बिशॉप सिल्वर कैंडल स्टिक. कन्विक्ट है जो बिशॉप की वो सिल्वर कैंडल स्टिक को देखता है जो उसकी मदर ने दी थी. He feels tempted. उसको अब वो उसको लालच हो जाता है इस चीज़ का. He want to run away with them. वो चाहता है कि वो इसको उठा के भाग जाए. In the meantime, तभी वहाँ पे बिशॉप आ जाता है बेडशीट लेके. He find that convict looking at the candlestick. वो देखता है कि ये जो अपराधी है वो candlestick की तरफ देख रहा है. He tells him that he loves them very much. वो कहता है कि मैं इन candlesticks को बहुत प्यार करता हूँ. ये मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट दिया था. Then he tells the convict to go to bed. तो वो ये बात कह के convict को कहता कि तुम अब सोने चले जाओ. देन द बिशॉप लीव्स द रूम. और बिशॉप पूरा कमरे से बाहर आ जाता है. कन्विक्ट डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द बिशॉप इज सो काइंड टू हिम. अब कन्विक्ट को समझ में नहीं आ रहा कि बिशॉप मेरे लिए इतना दयालु क्यों है. He feels that the bishop wants to convert him. उसको लगता है कि बिशॉप मेरे को बदलना चाहता है. He has no faith in religion. उसका परमात्मा में विश्वास नहीं है. क्रिश्चियन में कोई विश्वास नहीं है. फेथ होप और चेस्टी के बिना. ही फील्स अनॉयड व्हेन द बिशॉप टॉक्स ऑफ सर्विंग गॉड. उसको दुख फील होता है जब वो गॉड की बात करता है. कैंडल स्टिक्स अगेन अट्रैक्ट हिज अटेंशन. कैंडल स्टिक उसकी फिर अट्रैक्शन करते हैं. ही कैन नॉट हेल्प पिकिंग दैम अप. उसको नहीं लगता था कि वो उनको उठा सकता है. ही प्लेस विद द कैंडल स्टिक लाइक ए चाइल्ड. वो उनके साथ एक बच्चों की तरह खेल रहा था कैंडल स्टिक्स के साथ. सडनली द डेविल हीज ओवर पावर्स हिम. अंदर उसके एक शैतान जाग जाता है. ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ द कैंडल स्टिक. वो सोचने लगता है कि ये कैंडलस्टिक कितने की होगी. ही ऑल्सो थिंक्स दैट द कैंडलस्टिक्स आर द प्राउडेस्ट पोजेशन ऑफ द बिशॉप. वो सोचता है कि ये तो कैंडल जो कैंडलस्टिक्स हैं ये तो बिशॉप का बहुत प्राउड पोजेशन है. दी आर द लास्ट प्रेजेंट फ्रॉम हिज मदर. उसको ये अपनी माँ की तरफ से आखिरी गिफ्ट मिला था. ही फॉरगॉट ऑल द सेंटिमेंट्स. ही डिसाइडेड टू स्टील दैम. वो ये सभी बातें भूल जाता है और उसको चुराने की कोशिश करता है. ही हाइड्स द कैंडल स्टिक्स इन द पॉकेट्स ऑफ हिज कोट एंड लीव्स द रूम. वो कैंडल स्टिक को अपने कोट में छुपाता है और कमरे से बाहर चला जाता है. सून पियर्सन गेट्स अप. सून पियर्सन जो उसकी सिस्टर होती है बिशॉप की वो उठती है. शी शॉक टू फाइंड द कैंडल स्टिक्स मिसिंग. उसको देख पता लगता है कैंडल स्टिक गायब है तो वो शॉक हो जाती है. शी इज अबाउट टू राइज एन अलार्म. But the bishop calms her down. पर बिशॉप उसको शांति करने के लिए कहता है. The loss of the candlesticks pinches him. He is asked by Pearson to report the matter to the police. वो क्या पूछता है पियर्सन को कि अब हमें रिपोर्ट करनी चाहिए पुलिस में. But the bishop is moved with pity for the convict. पर बिशॉप को अपराधी पे दया आ जाती है. ही डज नॉट लाइक द आइडिया ऑफ जेल. वो उसको जेल नहीं भेजना चाहता. ही फील्स दैट द लॉस ऑफ कैंडल स्टिक इज़ अ पनिशमेंट फॉर हिम. उसको लगता है कि कैंडल स्टिक खत्म होने हो गई चोरी हो गई ये मेरी सजा है. ही शुड नॉट हैव एनी अटैचमेंट फॉर द कैंडल स्टिक एज दे बिलोंग टू हिम. कहता मेरे वो कैंडल स्टिक के साथ मेरी कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए एज दे बिलोंग टू हिम. ही फील्स डिस्टर्ब्ड. वो बहुत परेशान होता है. इट वॉज़ वेरी हार्ड पनिशमेंट. ये बहुत बुरी पनिशमेंट थी क्योंकि उसकी माँ का आखिरी गिफ्ट था और वो उसको संभाल के रख के बैठा था. ही फील्स दैट द कन्विक्ट्स नीड फॉर द कैंडल स्टिक्स वॉज ग्रेटर दैन हिज. कन्विक्ट की ज़रूरत है कैंडल स्टिक उससे ज़्यादा. उसको ऐसा लगता है कि चलो हमारे तो घर पे पड़ी थी, मेरी माँ का गिफ्ट था, मेरे इमोशंस जुड़े थे, पर इसको बेच के वो जो अपराधी है उसको ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी. सो ही डज नॉट रिपोर्ट द थीफ ऑफ टू द पुलिस. इसलिए वो चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखाता. इन द मेन टाइम अ पुलिस सर्जेंट एंड द थ्री पुलिसमैन ब्रिंग द कन्विक्ट टू द बिशॉप. कुछ ही समय बाद पुलिस मैन जो होते हैं वो कन्विक्ट को बिशॉप के पास लेके आते हैं. दे से दैट दे रिकवर्ड द कैंडल स्टिक्स फ्रॉम द कन्विक्ट आफ्टर अ गुड डील ऑफ स्ट्रगल. कहते हैं हमने कन्विक्ट से आपसे कैंडल स्टिक जो है वो पकड़ लिए हैं. द बिशॉप टेल्स द पुलिस दैट द अरेस्टेड मैन इज हर हिज डियर फ्रेंड.
वो पुलिस को बताता है कि जो आपने मैन अरेस्ट किया है वो मेरा फ्रेंड है, ही हिमसेल्फ हैज गिवन द कैंडलस्टिक टू हिम, कहता मैंने खुद दिए थे, उसने चोरी नहीं की। सर्जेंट सरप्राइज होता है और कन्विक्ट को छोड़ देती हैं। बिशॉप देन गिव्स द कैंडलस्टिक टू द कन्विक्ट, बिशॉप वो कैंडलस्टिक कन्विक्ट को दे देता। पियर्सन इज आस्क्ड टू रिस्ट्रेन हरसेल्फ, शी ग्रम्बल्स बट रिमेन साइलेंट, उसको पियर्सन को गुस्सा आता है पर वो चुप रहती है। कन्विक्ट उसकी बिशॉप की गुडनेस से बहुत इंप्रेस होता है, वो ही फील्स लाइक अ चेंज्ड मैन, उसको लगता है कि मैं चेंज हो गया हूँ। ही बिलीव्स दैट ही इज़ अ मैन अगेन एंड नॉट अ बीस्ट, उसको यकीन होता है कि मैं एक आदमी हूँ फिर से, मैं जानवर नहीं बना। He tells the bishop that he wants to go to Paris and start life fresh. वो बिशॉप को कहता है कि मैं पेरिस जाना चाहता हूँ, वहाँ एक फ्रेश लाइफ स्टार्ट करूँगा नए सिरे से। He asks for the blessings of bishop. बिशॉप से वो ब्लेसिंग लेता है। The bishop gives his blessings. He tells the convict that the human body is the temple of the living God. Convict कहता है कि human body एक temple है जिसमें परमात्मा रहते हैं। The bishop bends up his knees and prays for the convict. Bishop अपने घुटने झुकाता है और convict के लिए pray करता है। तो इस तरह से bishop ने एक अपराधी को एक अच्छे इंसान में बदल दिया। यही बेटा आपका प्ले था, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके करेक्टर स्केच और थीम वाला क्वेश्चन करवाऊंगी, तब तक आप स्टोरी को अच्छे से समझ लो। ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।